स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां निर्वाचन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग में जुटी है। इस दौरान दोनों सीटों पर चल रहे मतदान को लेकर न्यूज बाइस्कोप की खबरों पर निर्वाचन विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। मतदान की मॉनिटरिंग के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास लगातार मतदान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास से बात की संवाददाता प्रणव राज ने। जी बिल्कुल, देखिए दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं निर्वाचन आयोग के कार्यालय में, और यहाँ से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अलग अलग टेबल्स बनाए गए हैं और मोकामा के लिए अलग, गोपालगंज के लिए अलग, दोनों जगह से लगातार टेलीफोन के जरिए बातचीत भी हो रही है और जो भी समस्या आ रही है उसका निदान भी हो रहा है। हालांकि सुबह से बात करें तो जो कंप्लेन है वो अभी तक नाम मात्र किया है। मोकामा से जरूर दो तीन कंप्लेन आए थे और उसकी भी लगातार निगरानी कर रही है और समस्या का जो भी समाधान है वो भी लगातार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम बना है और खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास भी यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है। सर, दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मतदान जारी है, क्या कुछ कंप्लेन आई है अभी तक? हाँ, कंप्लेंट आई है, मोकामा में से कुछ कंप्लेंट्स आया है, वो सारी कंप्लेंट्स को हम लोग ने एड्रेस कर दिया है और हम लोग जो स्थानीय पदाधिकारी उन्होंने जांच कराया, जांच के दौरान पाया गया है कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। पहले चुनाव होता था सर तो देखा जाता था कि मॉक पोल के दौरान या फिर मॉक पोल के बाद EVM की काफ़ी शिकायतें आती थी, लेकिन इस बार इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई है, इक्का दुक्का शिकायतें आई हैं, ना मात्र की शिकायत आई हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार एक नया एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, उसको बोलता है FLCU, फर्स्ट लेवल चेकिंग का जो यूनिट है उसमें यही कर रहा है कि सभी मशीन्स का, सभी EVMs का वो एक बार जांच करा देता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है क्या। पहले हम लोग मैन्युअली करना पड़ता था, वो जो निर्माता कंपनी है, BL हो, ACIL हो, उनका जो इंजीनियर्स आता है, टेक्नीशियंस आते हैं, वो लोग मैन्युअली करते थे। अब उसको ऑटोमेटाइज कर दिया है तो वो मशीन बता देता है कि कहाँ क्या कमी है, और वैसे जो फिल्टर्ड मशीन से जो सही पाया गया वही मशीन हम लोगों का आज मतदान में यूज़ हो रहा है, इसलिए जो फेल्यूर परसेंटेज है पहले इलेक्शंस की तुलना में बहुत कम है। इससे काफ़ी राहत मिली है चुनाव आयोग को भी और लोग भी लगातार मतदान कर रहे हैं सर, और निष्पक्ष तरीके से आप लोगों ने तैयारी पूरी की थी पहले से? हाँ, पहले से ये सारी तैयारी हम लोग पूरा कर लिए थे। सर, मोकामा में खासकर बात किया जा रहा था कि बाहुबली हैं प्रत्याशी, दोनों जो भी हैं कैंडिडेट, उनके पति भी, तो क्या वहाँ पे कुछ विशेष तैयारी की गई थी वहाँ से, क्योंकि शिकायतें भी जो आई हैं दो चार वहीं से आई हैं कि वोट उनके पक्ष में मांगा जा रहा था, इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही? देखिए, हम लोग के लिए निर्वाचन निर्वाचन है, हम लोग सारी तैयारी के साथ ही चलते हैं और सारी केयर लेते हैं, जो स्थानीय पदाधिकारी उन लोगों के जो इनपुट्स आता है, कौन सा बूथ क्रिटिकल है, कौन सा एरिया क्रिटिकल है, वल्नरेबल है, ये सब के लिए इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट निर्देश है कि कौन सा एरिया को हम लोग वल्नरेबल डिक्लेयर करना चाहिए, क्रिटिकल करना चाहिए, और पर्याप्त संख्या में हमको CIPF भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त है,
स्टेट फोर्स को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी पोलिंग स्टेशन को हमने CAPF से कवर किया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग है, सेक्टर है, सुपर सेक्टर है, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है, किसी को ऐसा मौका नहीं है जो अनलॉफुल काम करे। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और तमाम जो तैयारियां थी वो आयोग की तरफ से पूर्व कर ली गई थी, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है और जो भी शिकायतें आ रही हैं इक्का दुक्का उनका समाधान भी तुरंत किया जा रहा है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है और लोग बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रणव राज, न्यूज 22 को, पटना।